हेलो फ्रेंड्स, रूपल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपनी यहाँ पर एक यूनिक रेसिपी बना रही हूँ, और ये वैसे फेमस रेसिपी है और गुजरात की है, तो इसे खजूर पाक बोला जाता है। और इसमें खजूर पाक चाहिए, तो खजूर हमें मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। तो इस तरह का मैंने इसमें पैकेट ला रखा था, और ये प्योर होते हैं, तो इसमें से बस मुझे इसके सीड्स निकालने होंगे। तो मैंने सीड्स निकाल के इस तरह से इनको रख लिया है छील कर। और इसमें चाहिए मुझे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मुझे चाहिए मुझे अखरोट और बादाम, और ये है मस्मेलन सीड्स। और बाकी मैं इसमें नट्स ऐड नहीं करूँगी। और उस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे चाहिए इसमें बटर और देसी घी। दूसरा मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी, ये है लूटो चौको पाई, और ये चॉकलेट वाली है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मैं इसके साथ इस रेसिपी को बनाऊंगी। साथ ही साथ चाहिए मुझे इसमें 2 स्पून के करीब क्रीम। तो चलिए देर ना करते हुए मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। और यकीन मानिए कि ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी आजकल अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान के मौके पे भी आप इसको बना सकते हैं, या आपके घर में कोई फेस्टिवल हो। व्रत में आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें केक होता है, और रमज़ान में तो एज ए फूड सभी लोग खाते ही हैं, तो वो लोग रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई फास्ट होता है हिंदू, उसमें हिंदू फेस्टिवल में, तो उसमें हम लोग चॉकलेट वगैरह नहीं खाते हैं, और हम खजूर खा सकते हैं, क्योंकि खजूर एक डेट्स और हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स में ही आता है ये, और वैसे भी ये फ्रूट्स हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए ये रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ, और किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और फ्लेम ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करूँगी। और जब हमारा घी गर्म हो जाएगा, तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और हमारा घी गर्म हो चुका है, तो इसमें हमारे बादाम और जो अखरोट मैंने इनको क्रश किया हुआ है, इनको बारीक कट करना है, तो इनको इसमें सॉटे करना है। ज़्यादा मुझे इनको सॉटे नहीं करना है, हल्का सा सॉटे करना है, क्योंकि मैंने इनको बारीक कट किया हुआ है, तो अच्छे से ये रोस्टेड हो जाएंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरे नट सॉटे हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ये मस्टमेलन सीड्स ऐड कर दूंगी। और हमारा ऑलरेडी घी गरम है, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉटे होने में, और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ हम इनको इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट्स है इनको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे बटर 1/2 टीस्पून, इससे ज्यादा हमें बटर नहीं डालना है इसमें। और जो हमारे डेट्स हैं, जो खजूर है जिनको हमने पील किया हुआ है, इस खजूर को हम इसमें सॉटे करेंगे, और जब तक ये मेल्ट होंगे तब तक हम इन्हें सॉटे करेंगे अच्छे से। तो
लगभग इसमें 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इसको मेल्ट होने में अच्छे से। ये एक गल के ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गलना स्टार्ट हो गया है और इसको लगभग अभी 5 से 6 मिनट और लग जाएंगे कम्प्लीटली गलने में और ये पेस्ट फॉर्म बनने में बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ हम इसमें 2 स्पून जो क्रीम है हम उसको ऐड करेंगे। लगभग 2 मिनट इसे गलने देंगे। ये गल चुका है यार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से ये मेरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है खजूर का। और ये अच्छा काफी खुशबू भी दे रहा है। अब इसमें लास्ट स्टेज में हम डालेंगे इसमें 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स के करीब ये है मेरे पास व्हाइट रोज एसेंस और इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने में तो मैं आपको कह ही नहीं सकती कि इतना अच्छा टेस्ट देता है और हेल्थ से भरपूर है ही है क्योंकि हमारे ये विटामिन ए होता है इसमें और पोटेशियम भी होता है जिंक होता है तो हमारी हेल्थ के लिए तो ये बेस्ट है ही है और बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए खजूर को। और इसीलिए कि ये मैं रेसिपी बच्चों से रिलेटेड ही बना रही हूँ ताकि इनको चोको पाई तो पसंद है ही है साथ ही साथ ये हेल्दी रेसिपी भी हो गई खजूर के साथ और उनको इतनी पसंद आएगी कि वो आपको जब भी बोलेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा उनकी हेल्थ के लिए। तो देखिए बातें करते करते ये मेरा तैयार हो गया और अब इसे मैं लगभग 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। उसके बाद मैं इसकी तैयारी करती हूँ आगे की। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा खजूर का पेस्ट जो है वो ठंडा हो चुका है और हम हाथों में हल्का सा घी लेंगे और इस तरह से यहाँ पर फैलाएंगे इसको और ये जो हमारा चॉकलेट वाला चोको पाई है इससे हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हाथों में घी और लेंगे थोड़ा सा और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे और दोनों साइड से इसकी लेयर को ऐसे चिपकाकर ताकि ये दोनों चारों तरफ से अच्छे से क्लोज बंद हो जाए और कहीं भी इसकी गैपिंग ना दिखाई दे। जैसे हम रोटी बनाते हैं लड्डू बनाते हैं रोटी का गोल गोल उसी की तरह से हम इसको इस तरह से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है और आप चारों तरफ से इसको इसी तरह से नट्स जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका अच्छा सा कोटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक मेरा ये बनके रेडी हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लग रही होगी। देखने में तो इसके क्या कहने हैं। तो ऐसा ही मैं दूसरा बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो वही सेम प्रोसेस हम पहले घी में हाथ में घी लगाएंगे फिर यहाँ नीचे ड्राई फ्रूट्स रखेंगे थोड़े से और जो हमारा चॉकलेट और चोको पाई है उसको इस तरह से फिर दूसरी लेयर के लिए दोबारा से हम लेंगे घी लगाकर। और फिर इसी तरह से
और फिर हाथ में लेकर और चारों तरफ से हम इसको बंद कर लेंगे। क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म है ये, और जो मेरे चौको पाई थी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, वो ठंडे होने चाहिए तो इसकी अच्छी सी कोटिंग की तैयारी हो जाती है। देखिए उसके बाद भी मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लगाए तो इसमें कितना अच्छा और सुंदर कलर आया हुआ है। और हम इसके ऊपर ये जो हमारे नट्स हैं इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बाकी मैं इसी तरह से और बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये मेरे लूडो चौको पाई खजूर पाक बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे खजूर पाक बनके तैयार हो गए हैं। और जिस तरह के ये थे मैंने उसको चेंज कर कर और एक इसमें नया ट्विस्ट, और ट्विस्ट के साथ अमेजिंग टेस्ट भी है इसमें। तो पहले मेरे चौको पाई आप देख सकते हैं इस तरह के थे, और बच्चों को ये रेसिपी तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और मैंने उनके हेल्थ के लिए ध्यान रखते हुए मैंने ये रेसिपी तैयार की है। तो यहाँ पर मेरे ये खजूर पाक भी बनके तैयार हो चुके हैं, और ये ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितने अच्छे बनकर रेडी होते हैं, और आप चाहें इसको खजूर पाक चॉकलेट भी कह सकते हैं, चॉकलेट केक भी बोल सकते हैं, चौको पाई भी, तो चौको पाई तो है ही ये, तो आपका जो भी मन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा ये हेल्दी डिश है, और आप इसे मीट्स जिनको डायबिटीज़ भी है वो भी इसको खा सकते हैं। मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है, और क्योंकि डेट्स जो होते जो हमारे खजूर हैं वो ऑलरेडी मीठे हैं तो हमें इसमें शुगर की ज़रूरत है ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही यूनिक रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।